यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फरार घोषित हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, आपको बताते चले कि फिलहाल वो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, फरार घोषित किए गए हैं। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 70 साल जिनकी उम्र है, लगातार जिसे लेकर वो अपने बयान देते रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते चले कि उनको यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फरार घोषित हो गए हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। मामला दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी और उनकी बेटी समेत तीन लोगों के खिलाफ आदेश जारी किया था। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बताते चले कि पूर्व सांसद संघमित्रा को भी फरार घोषित किया गया है, जो कि उनकी बेटी हैं। हाईकोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली है। लखनऊ में एक भी सुनवाई में नहीं पहुंचे दोनों ही पिता और पुत्री। इस वजह से पूर्व सांसद संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।